बज रहे हैं सुबह की 8 और ये देखिए भाई, और तुम स्कूल नहीं गए? की बनती है फिंगर फिश, आपका भी हाथ लगना चाहिए। हाँ, मेरे हाथ से बड़ा डलाओगे तो ये जायकेदार। देखिए भाई, ये हमारी क्रिस्पी फ्राइड फिश हो गई है और ये हमारे KFC राइस। यार कोई प्लानिंग शेयरिंग कर लो भाई, जनवरी में चलते हैं। जनवरी में शामिर की शादी के बाद कोई प्लान करते हैं सही इंशाल्लाह ताला। लेकिन गूगल जहाँ बर्फबारी हो रही है ना, वहाँ निकलेंगे सही इंशाल्लाह। डन है भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस सब बज रहे हैं सुबह की 8 और ये देखिए भाई, और तुम स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? आपने मैसेज ही नहीं देखा। यार ये भंड हो गया मेरे साथ। यार उसमें हुआ सीन ये कि भाई मैंने इसके स्कूल से कोई मैसेज आया हुआ था, वो मैंने रीड ही नहीं किया और आज मैं सुबह बेचारे को सुबह तैयार करके अपना भारी बैग उठा के इसको स्कूल ले गया। सारा लंच वंच खाना तैयार कर दिया था, हम चले गए भाई। इतनी सर्दी है, सुबह सुबह स्कूल, वहाँ जाके पता लगा कि भाई छुट्टी है। और हमने बोला यार ये क्या भंड हो गया। फिर हम घर आ गए, दोबारा घर आके हमने मैसेज पढ़ा तो भाई पूरा वीक छुट्टी है, हम लोग मैसेज नहीं पढ़ते। यार इस चक्कर में बेचारा बच्चा भी फुहार हो गया, मैं भी सुबह सुबह ठंड में फुहार हो गया। तो एनीवेज बहरहाल यार एक फन हो गया भाई। ये देखें सुबह सुबह बैठ के जो लंच तैयार किया था, वो लंच खा रहे बैठे हुए और मोबाइल पकड़ लिया। तो एनीवेज भाई अब उठ गया हूँ तो भाई मैं भी जा रहा हूँ नाश्ता देने के लिए। क्या हलवा पूरी आपका भाई आज सुबह सुबह हलवा पूरी खा के सोएगा, क्योंकि भाई मुझे जाना है आज वर्किंग पे। मेरे बॉस आए हैं शक्कर से, उनको आज वर्किंग चेकिंग करानी है। अभी तो फिलहाल नाश्ता करते हैं। हाँ भाई हम चले भाई, हम चलते हो आज फिलहाल में सुबह सुबह भंड हो गया। बंदा सकून से सोता रहता मैसेज पढ़ लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम सुबह सो रहे होते सकून से, अब आराम से उठते अपना 10 बजे चले जाते वर्किंग पे। यार ये मोबाइल दे लो, मैं मोबाइल लेके नहीं जा रहा हूँ सुबह सुबह चोर बहुत घूमते। A few inches later, हलवा पूरी लेकर आ गया भाई। मैं देख सकते हैं आप लोग क्या लेवल का नाश्ता है यार। ये जो नाश्ता होता है ना, उफ क्या बताऊँ, बस इंडिया के दिल्ली गेट की याद लाया था मुझे। मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये चने, ये पूरी और ये हलवा, क्या नाश्ता यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा। खाते हैं और मिलते हैं आपसे 2-3 घंटे बाद। ऐसा लग रहा है हमारे आपकी छुट्टी हो गई अचानक। ऐसा ऐसे मज़ा आता है, पता है क्या, आपको पता ना हो आप स्कूल चले जाओ फिर वापस घर आ जाओ ना, ऐसे बहुत मज़ा आता है। तो मज़ा आया तो एनीवे भाई पूरा वीक छुट्टी, सिर्फ 3 दिन जाना है वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए। फिर छुट्टियाँ अभी 4 दिन जाना है थर्सडे तक। थर्सडे को रिजल्ट है, चलो बस नाश्ता कर लो और फिर सोने चले जाओ, हम भी जाएंगे सोने सही। चलो आज भाई निकल रहा हूँ वर्किंग से, बॉस निकल गए होटल से एरिए पहुँचने के लिए, तो मैं भी रेडी शेडी हो गया हूँ भाई। मैं भी निकलता हूँ इससे पहले कि बॉस वहाँ पहुँचे। अपने बोले मैं पहुँच गया हूँ, तुम नहीं पहुँचे कहाँ, ये वो माँ का। तो अभी फिलहाल तो कोई जूते पहनो, चल मैं ही पहन आ जा, चलते भी इसमें लाइन सबक कल। तो अल्लाह होता दरवाज़ा बंद कर दिया, चाबी ले लिए सही। तो भाई चलते हैं वर्किंग पे। वापसी में एक काम है, बॉस को फिश लेनी है, तो मैंने सोचा नहीं वही मछली घर के लिए फिंगर फिश वगैरह ले चलो जाऊँगा। तो फिलहाल चलते बैग पकड़ो और निकलो। क्लिनिक पर आ गया हूँ मैं, जहाँ पे मुझे वर्किंग करने आना था। बॉस अभी तक आए नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बॉस से पहले मैं पहुँच गया हूँ भाई। ये क्लिनिक है हमारे डॉक्टर साहिब का, डॉक्टर साहिब बैठे हुए अंदर। अभी चल के देखते हैं हमारे बल्कि बॉस आएंगे, बॉस के साथ ही मिलने जाऊँगा डॉक्टर साहब से। अभी तो कुछ और लड़के छड़के घुसे हैं मेडिकल है। वर्किंग से फारिग हो गया हूँ और मछली लेने आ गया हूँ भाई। बॉस वहाँ मछली ले रहे हैं, मैं यहाँ अपने लिए मछली ले रहा हूँ। फिंगर फिश करवाएंगे और भाई घर लेके जाएंगे बच्चों के लिए। सर्दी है मर्दी है आपको पता है, हाई फाई हो गई है। तो फिंगर फिश ये दिखाना सारम जरा, ये देखो भाई ये सारम फिश, इसकी बनती है फिंगर फिश। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ये देखिए भाई, ये मैंने फिंगर फिश के लिए मछली ली है, पूरी सारम फिश पूरी पूरी उठाई है और ये इसमें से कांटे निकाल के आपके भाई के लिए पूरा फिंगर फिश बन गया। कांटे खाया आराम से खाओ सकून से, कोई ना डर के। बड़ी महंगी मिली लेकिन भाई 1500 रुपये किलो। वर्किंग वर्किंग करा के कर करा के फिश लेके घर आ गया भाई। अहमद गेट खोलो, खुश हो रहा है पत्नी अच्छा कर आया हूँ। ये रखो, वो भी आ रहा है भाई। कहाँ हो मुस्तफ़ा, कम है? चला मालिक इधर आओ। ओ कुकु कुकु टैटल को कह रहा है कुकु। ऑफिस आने के बाद जब सो गया था फिर मैं थोड़ी देर अभी भी उठा हूँ। मैकेनिक साहब हमारे आ गए 2 दिन के बाद। आ जाओ अमित भाई, बहुत काम 2 दिन के बाद अमित भाई को टाइम मिला है भाई हमारी गाड़ी सही करने का। अल्लाह करे सही हो जाए।
अच्छा मैंने शायद यही सही करेंगे। कब लाओगे फिर गाड़ी, कब लाओगे? एक घंटे में आ जाओगे? चलो ठीक है, जा रही भाई गाड़ी हमारी मैकेनिक के पास सही होने के लिए। अभी तक अपने 1 से 1.5 घंटे के बाद आएंगे इंशाल्लाह ताला। तुम क्यों आ गए? तुम्हारा मन करो, वो गए वो गाड़ी लेके 1 घंटे बाद आएंगे। आ जाओ, चलो आ जाओ भाई। मैकेनिक भाई हमारी गाड़ी ले गए सही करने के लिए अपने वर्कशॉप पे। अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद वो हमारी गाड़ी का जो मसला था भाई, रेडिएटर पाइप पाइप का जो भी मसले मसाइल थे, तो 1 से 1.5 घंटे के बाद आके गाड़ी सही कर देंगे। ऐसे की नमाज़ पढ़ते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। भाई शाम हो गई है, बल्कि मगरिब की अजान हो गई है। नमाज़ आपके भाई ने पढ़ ली है, चाय भाई हम लोगों ने पी पा ली है, और बच्चे देखें अहमद साहब फिर जैक से खेल रहे हैं। ये जैक कब तक जिंदा ही अल्लाह को पता है। और हिरा साहिबा कर रही हैं काम, जो भाई आपका भाई फिश लेकर आया था ना सुबह, भाई वो फिश की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं आप। ये भाई क्या कर रही है? हाँ बड़े तो हैं। अच्छा सारे बड़े नहीं है, जो बहुत बड़ा पीस है ना उसको छोटा कर लेना, जैसे कि जो बड़ा और बहुत मोटा पीस है ना, जैसे कि लाइक ये बहुत मोटा है अंदर से ऐसा ना कच्चा रह जाए, ये इस टाइप के ना वो दो कर लो। आपको ये बताएं खानी किस तरह की है, ढाका फिश खानी है या फिर वो जो नॉर्मल बेसन वाली बनती है वो खानी है? यार ढाका फिश क्रिस्पी होती है और उसमें तेल होता है। हाँ, सही ढाका जो हम लोग होटलों में आए खाते हैं। हाँ, उस टाइप की बना लो तो क्या मजा आ जाएगा। और राइस के साथ सर्व करो। हाँ राइस वो KFC राइस बना लेना, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये 1 किलो फिश है, ढाका फिश है ना, उसकी पूरी मैरिनेशन करनी पड़ेगी। कर लोगे मसला थोड़ी टाइम में भी, तो क्या टाइम हुआ 7:30 बजे, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 9 बजे देना। 9 बजे खाने देना, ऐसा ना फिर 8 बजे खाने दे तो फिर रात को 12 बजे फिर भूख लग जाती है। देखते हैं ढाका फिश बनती है कराची की फिश बनती है, ये आई डोंट नो, पता नहीं है कौन सी फिश बनाती है। हम किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना, स्पेशली हाईवे के, तो हम लोग ना स्टार्टर में भाई ढाका फिश लाजमी मंगाते हैं। इतनी क्रिस्पी और इतनी कोई यमी टाइप की बेहतरीन किस्म की होती है, जिसकी कोई हद नहीं है ना। वो एक खाली प्लेट जो है ना 1800 रुपए की मिलती है भाई ढाका फिश की, बहुत ही बड़ी लेवल की, तो उसी टाइप की बना रहे हैं भाई। अब देखिए बन जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खैर खानी तो है ना भाई, खा लेंगे। एनीवेज अभी तैयार होगी फिश, तो फिर आपको दिखाएंगे भाई कि उसी टाइप की बनी है या नहीं बनी है भाई। हमारे फिश की मैरिनेशन स्टार्ट हो गई है भाई। ऐसा मसाले डाल ली, पहले क्या डाला है? नमक ऐड कर दिया। ये क्या लाल लाल पाउडर? रेड चिली पाउडर है भाई। हम बेसन की कोटिंग नहीं कर रहे ना, मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदे की करेंगे, कॉर्नफ्लोर की करेंगे, और इसमें जाएगा लेमन जूस, सिरका, और अंडा भी जाएगा इसके अंदर। अंडा भी जाएगा इसके अंदर, और एंड में ब्रेड क्रम भी जाएगा। ओए तिल भी आएंगे। अरे कहाँ से लाऊं मैं ये चीजें? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है, ब्लैक पेपर, ओ माय गॉड। ठीक है, ये हो गया। तो इसको ये मैरिनेशन करके रखोगी क्या? इसको हाफ एन आवर रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे से ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि ये फिश भी 2 घंटे रखी जाएगी मैरिनेशन करके। यार कम से कम टाइम जो है वो हाफ एन आवर है, और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा 1.5 घंटे रखोगी बताओ, तो कोई मसला नहीं है। हां ये है क्रश चिली, क्रश चिली। इतने सारे तुम मसाले डाल लियो, बिल्कुल स्पाइसी चैलेंज हो जाएगा। डाल रही है इसमें लेमन, लेमन का जूस, यार ये तो क्या लेवल होने वाला है यार। मुंह मेरे अभी से पानी आ रहा है यार। और ये क्या? ये है विनेगर सिरका। विनेगर सिरका, ये किस चीज का है? किस चीज का होता है सिरका? अच्छा सिरका का होता है, इसका होता है नॉर्मल विनेगर। ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी बारात भी हमारे साथ साथ नीचे खड़ी है, एक ऊपर खड़ा हुआ है, यहाँ पर फिश का लंगर बट रहा है। बेटा पीछे जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? वजह कोई खास वजह? कवाली बेस्ती। तो ये क्या डाल लियो? मैदा। पक्का मैदा है? हाँ, चेक कर लिया था, कॉर्नफ्लोर तो नहीं है? कॉर्नफ्लोर वो रखा हुआ है। सही बेटा, इसको पीछे कर दो, ऐसा ना ये पूरी ट्रे नीचे घसीट ले। मुस्तफा कलर है, कलर मछली में दर्द कलर आएगा। कलर देखे, मछली में भी जर्दे का रंग डले जा रहा है। ये पुड़िया देखे, मैं आपको जर्दे की पुड़िया देख रही है ना, ये किसी तुम आमिल बाबा के पास जो हीरा को तोड़ने नहीं आते हैं, करे तोड़ ली भाई तोड़ ली। ये मिक्सिंग कर लो अब, ये अल्लाह खैर करे इस मछली का। हीरा इस पे काम कर रही है, इसकी मैरिनेशन कंप्लीट करने के बाद हीरा जो है भाई हमें दिखा देगी। और बस मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, ईशा की नमाज पढ़ के आता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करता हूँ यार। वरना ईशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ो ना, तो फिर बहुत यानी कि अजीब सा हो जाता है कि यार थक जाता है बंदा, ये हो जाता है।
तो हम जा रहे जमात से नमाज पढ़ने के लिए। A few inches later, ने कंप्लीट कर लिए सारे मसाले से कंप्लीट हो गए, हर चीज हो गया। फाइनली इसमें एक चीज डलेगी और वो क्या चीज है जो बहुत कम लोग डालते हैं, मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट वाले डालते होंगे वो, तो भाई वो चीज है तिल। तो तिल डालो भाई, मैं डालू आपका भी हाथ लगना चाहिए। हाँ, मेरे हाथ से बेटा डलवाओगे तो ये जायकेदार, ये तिल तो सैकड़ा कैसा हो जाएगा ना, अच्छी लग रही है। वैसे मेरे ख्याल से ये पता है कब डलते हैं तिल, जब बंदा फ्राई करता है ना, बस जब फ्राई करते हैं ना इसको, फ्राई करने के बाद जब ये बाहर निकलती है उसके ऊपर तिल छिड़क दिया जाता है। भाई हमारे फिश तल के तैयार हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है और हमारे सामने आ चुकी है। भाई क्या लग रही है, दिखाता हूं आपको भाई साहब। ये देखिए भाई, ये हमारी क्रिस्पी फ्राइड फिश हो गई है और ये हमारे केएफसी राइस अहमद साहब तोड़ने में शुरू हो गए। तो शरोज भाई आ जाओ, केएफसी राइस तो यार चेक करके बताते हैं आपको हम। मजेदार सॉस भी बनाया हीरा ने भाई, पूरा पैकेज का बात है यार। आपने सुबह लाए थे ना, तो बाबा अच्छी है। दस दस भाई बाबा हरा जी बोले, सुबह से इंतजार कर रहा था कब बनेंगी ये। ओए होए, से इंतजार कर रहा था सोचा कब बनेगी। तो हम लोग पहले खाना खाते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। भाई शरोज भाई आए ने दो महीने के बाद हमारे घर की इन्हें याद आई और ये मिलने आ गए। कैसे है शरोज साहब, ये जानेंगे निकलने तो आप कैसे यार, कोई प्लानिंग कर लो भाई, कहीं चलने की। जनवरी में निकलता है इंशाल्लाह, जनवरी में शामिर की शादी के बाद कोई प्लान करते हैं भाई इंशाल्लाह ताला। पहले देखेंगे गूगल, जहाँ बर्फबारी हो रही है ना वहाँ निकलेंगे भाई इंशाल्लाह। डन है, डन कर दिया भाई, डन है भाई, तुम डन हो जाओ, चलो भाई हाफिज। हम लोग बहुत जल्द हमारे बर्फ वाले ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। हम फिर से निकालेंगे बर्फ और अपने घर में फेंकेंगे बर्फ और फिर आपको दिखाएंगे बर्फ वाले ब्लॉग। भाई बहुत ठंड होती है यार, कौन जाएगा, नारायण का काम तो बंद हो गए होंगे सही है। और भाई मुझे तो बहुत सारी लगती, मैं नहीं जा सकता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, चलते हैं ना मजा आएगा। मैं सिर्फ जाऊंगा स्विट्जरलैंड। वाह वाह क्या बात है, कनाडा आया। एनीवे भाई शरोज आया था काफी दिनों के बाद आया था, तो हमारी प्लानिंग हो रही है कहीं जाने की, कहाँ जाने की हो रही है। अभी हमें डिसाइड कर रहे हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। अभी हमारे खानदान में शादियां आ रही है, पहले तो आएंगे बड़े जबरदस्त जबरदस्त शादी के ब्लॉग्स और उसके बाद फिर हम जाएंगे शायद नॉर्दर्न एरिया, शायद साउदर्न एरिया, शायद कौन से एरिया, या फिर फेडरल एरिया, या फिर एमसी एरिया, या फिर डिफेंस का एरिया। तो एनीवेज कहाँ जाते हैं अभी कर रहे हैं हम प्लानिंग, तो भाई देखते हैं प्लानिंग सक्सेस होती है नहीं होती, क्योंकि बेस्ट प्लानर जो है अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम कहने के इंशाल्लाह तले ही जाएंगे भाईजन। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। मिलता हूँ कल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।